Assalamualaikum and good evening friends. दोस्तों ये है मेरा WhatsApp नंबर, जिस किसी को भी पोजीशन का सिंगल डिजिट चाहिए. दोस्तों डिजिट की गारंटी मेरी है, वो 100% आएगा ही आएगा, ये इसके ज़िम्मा मैं लेता हूँ. अगर वो नहीं आएगा तो आपके पेमेंट आपको वापस हो जाएगी. उसके साथ आपको टोटल का तो पता ही, मेरे टोटल फेल नहीं होते हैं, तो आपको 2 से 3 पेयर दूंगा और एक सिंगल डिजिट, उसमें गारंटी सिंगल डिजिट भी आएगा और पेयर भी आएगा. तो जिस दोस्त को भी ये पेयर चाहिए वो मुझसे रابطہ कर सकता है. सिंगल डिजिट का ज़िम्मा मैं लेता हूँ, गारंटी मेरी होगी. तो जो भी दोस्त सिंगल डिजिट और उसके साथ टोटल और मेरे पेयर लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, ये +19028911150, इस पर रابطہ करके मुझसे पूछ सकते हैं. दोस्तों जो मेंबरशिप लोग लेना चाहते हैं वो इस पे नंबर पे कांटेक्ट कर लें. डिजिट की गारंटी मेरी है, 100% आएगा ही आएगा. और पोजीशन वाला डिजिट है दोस्तों, पोजीशन का डिजिट हो तो नंबर स्ट्रेट गिरता है, ये आपको भी पता है, और गारंटेड डिजिट है, छप के ही आएगा. तो जिन दोस्तों को भी चाहिए, साथ में टोटल भी आपको पता है मेरे, तो पेयर भी दूंगा. तो जिन दोस्तों को भी चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. दोस्तों आज एक आपके साथ, सॉरी एक नहीं दो रूट शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग टोटल निकल रहा है हमारा. तो सबसे पहले ये 1983 में ये 533 ओपन हुआ नंबर, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. जब 8 पे आएंगे तो उसके नीचे जाना है, ये 9 10 और ये 11. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया, 178. उसके बाद दोस्तों सेकंड टाइम ये ओपन हुआ है 533 2009 में, ये देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10 और ये 11. उसके बाद दोस्तों थर्ड टाइम 2011 में ये देखें 533, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे अभी रिज़ल्ट है 11 की. दोस्तों ये मैंने कुछ लिख के रखा है, देखें जब ये ऊपर 8 पे आएंगे तो यहाँ पे टोटल जो है, जो भी 533 के क्रॉस में 8 पे आएंगे तो फिर सीधा क्रॉस में नीचे 8 पे आएंगे, फिर उसके नीचे 9 10 और ये 11, फिर ये 9 10 और ये 11. ये 3 बार ओपन हुआ 533, 83 में, 2009 में, 2011 में. तो दोस्तों यहाँ पे टोटल देखें तो ये सेम फैमिली है, 166. अच्छा वैसे यहाँ पे और यहाँ पे देखें ना तो सिमिलर टोटल है, इसके ऊपर 344 के ऊपर भी 5 का टोटल है और यहाँ पे भी 5 का ही टोटल है, लेकिन हम क्योंकि ये 3 सेट के हिसाब से देख रहे हैं तो देखें यहाँ पे दोस्तों टोटल लगा 1 का, फिर इसका होम 6, फिर सेम उसी 16 से ही टोटल एक आ गया, फिर ये 5 पे 5 आया तो अब इनका होम ही नीचे आया. जैसे अब यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 लगा 6 लगा, अब यहाँ पे 16 में से कौन सा टोटल आना चाहिए तो वो समझ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं. अच्छा इससे पहले क्या चीज़ हुई, जब ये 16 लगा 5 5 और ये 16, तो यहाँ पे लास्ट पे दोस्तों क्या है, 3 प्लस 5 8, फिर ये लास्ट पेयर क्या है 7, और ये फिर लास्ट पेयर क्या है 6 का, यानी 8 7 और 6 का पेयर लगा, फिर ये सेम फैमिली टोटल लगे. तो दोस्तों यहाँ पे एक देखें कि लास्ट डिजिट लगा 5 का, तो उसके बाद ये 6 3 और 6 का क्या बन गया 5, फिर ये लास्ट डिजिट लगा 6 का, तो ये 5 1 और 0 के साथ बन गया 6. पहले 5 लगा तो ये ऊपर का टोटल, मिडिल का डिजिट और नीचे का टोटल, ये तीनों का 5. ये लास्ट डिजिट लगा 6, तो ये 5 1 और 0 के साथ बना 6. अब यहाँ पे लास्ट डिजिट है 9 का, तो जब ये 6 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 के, ठीक है. तो इस रूटीन से
सेम फैमिली का ही टोटल, यानी कि अगर ये इसको छोड़ें अगर, तो यहाँ पे टोटल इसके ऊपर है 344 के ऊपर 5, फिर 166, यहाँ पे भी ऐसे ही है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 5564 का लगा सेट, और टोटल 5 का फिर 16 और 6 हो जाए, सेम सिमिलर टोटल लेकिन सेम फैमिली। तो इस रूटीन से दोस्तों टोटल 6 का स्ट्रॉन्ग निकल रहा है। लेकिन एक और टेबल शार्ट टेबल ट्रिक का आपको दिखा देता हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब टोटल बन रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले हम आते हैं टोटल पे ही, यहाँ से यहाँ पे रिजल्ट है हमारा, यहाँ पे टोटल आना है, तो यहाँ से 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल देखें तो 0 का लगा, फिर लगा 3 का, और अब टोटल लगे 6 का, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या हुआ, ये 0 पे 0 का टोटल, 3 पे 3 का टोटल, और 6 पे 6 का टोटल आए। और क्यों आए दोस्तों, ये 5 का, ये 6 का, और ये 0, 5 6 और 0 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बना 1, फिर ये जब 3 पे 3 आया तो ये 0 का लगा, ये 9 का, और ये 3 का, तो ये 3 को प्लस करेंगे तो बना 2, और अब यहाँ पे टोटल लगा है 1 का, ये 6 का, और जब ये 6 पे 6 आए तो ये बने 3, यानी ये 0 के टोटल जब यहाँ पे आया तो ये ऊपर के तीनों दो टोटल शामिल करके ये 3 टोटल का बना 1, जब ये 3 का टोटल पे 3 आया तो ये बना 2, और जब ये 6 पे टोटल 6 का आया तो ये बने 3, तो ये राउंड भी बन रही है और इस तरह। उसके बाद दोस्तों अभी हम आ जाते हैं एक और रूटीन, कोई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एक डिजिट लगा एच में 0 का, तो ये 0 9 और 1 का बन गया 0, ये 3 टोटल को प्लस करके बना 0, फिर इस 0 के नीचे नेक्स्ट ड्रा में टोटल एच में आया 2, ये 0 उसके बाद ये 2, तो ये देखें दोस्तों ये 3 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के। अब इसके नीचे दोस्तों एच लगा है 7 का, तो अब ये 5 ये 6 और ये 6 इसका बने 7, ये तीनों का बना 0, ये बना 2, और अभी 6 लग के ये बने 7, तो ये तीनों एच यानी 0 2 7 हो जाए, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, अभी 7 बैलेंस है। अब इसी यहाँ से ही देखते हैं एक और एंगल से, यहीं से ही रूटीन चल रही है। देखिए दोस्तों, ये टोटल 6 का, ये मिडिल का डिजिट 8, और ये मिडिल ला नीचे टोटल 4 0, सॉरी 6 8 0 का बना 4, ये लास्ट पेयर क्या है दोस्तों, 8 प्लस 6 4, तो ये 6 8 0 के साथ भी 4। अब दोस्तों हम पहले लास्ट पेयर, अब फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर है दोस्तों 5 का, तो ये 9 3 और ये 3, यानी ऊपर का टोटल, मिडिल का डिजिट और फिर नीचे का टोटल, ये तीनों का भी 5, यानी पहले लास्ट पेयर 4, तो ये टोटल मिडिल और टोटल 4, ये फर्स्ट पेयर 5, तो ये 9 3 और 3, यानी टोटल मिडिल और टोटल भी 5। अभी दोस्तों यहाँ पे ओपन पेयर है 0 और 9 का, इनके 9 का, पहले लास्ट पेयर फिर फर्स्ट पेयर अभी ओपन पेयर, तो ये टोटल 6 का, ये 7 का, और ये 6 का भी बने 9, तो बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन चल रही है दोस्तों यहाँ से भी। तो इसके अलावा मैं आपके साथ ये टोटल शेयर कर चुका हूँ, तो ये टोटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, बहरहाल फाइनल टोटल मैं बाद में आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, बेस्ट ऑफ।